तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस लेने जाते हैं कहीं मार्केट से, अगर आप लेने जाओ कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, तो आप कहोगे कि कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू मान 2 ओम की रेजिस्टेंस या 2000 ओम की रेजिस्टेंस दे दो, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो उस पर लिखा नहीं होता 2 ओम या 4 ओम, उस पर ना बैंड बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं, कलरफुल रिंग्स। वो रंगों को देख के आप बता सकते हो उसकी रेजिस्टेंस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है। तो ये टॉपिक इसी में डील करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने, आपको गिवन कैसे होगा, आपको गिवन ऐसे होगा, बस ये क्वेश्चन आता है, आपको बैंड का कलर गिवन होगा, रेड 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 सिल्वर, 4 या 3 कलर होते हैं बस। आपको इसके लिए एक टेबल याद करना है, ये टेबल याद करना है, इसी सीक्वेंस में याद करना है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे और वाइट, ठीक है। तो अंग्रेज लोग अपने तरीके से याद करते हैं, वो कहते हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, होता होगा किसी की पहली होती होगी अंग्रेज की, तो बी फॉर ब्लैक ब्राउन रेड येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे और वाइट, जो मर्जी बोल लो। आप अपने दोस्तों के नाम लिख लेना जो लिखना है इसमें, कोई राम, कोई श्याम, कोई बबलू, कोई जी से कुछ भी लिख दो, बी से कुछ भी लिख दो, तो मतलब जो भी लिखना है लिख दो, पर सीक्वेंस यही लिखना। तो अभी इसके बाद आपने 2 कॉलम बनाने हैं, पहले कॉलम में 0 से लेके नंबरिंग 9 तक चलेगी, दूसरे कॉलम में 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 9 तक चलेगी, राइट। तो ये टेबल याद हो जाएगा। और 3 और चीज़ें हैं, टॉलरेंस बताता हूँ, टॉलरेंस क्या है, गोल्ड के लिए 5% याद रखें, सिल्वर 10%, अगर कोई कलर नहीं है तो 20%। क्या काम करती है टॉलरेंस अभी बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कलर्स मिल गए रेड 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 और सिल्वर, यहाँ से स्टार्ट करने हैं। तो रेड 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 सिल्वर में आपने क्या करना है, पहला कलर है रेड 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 एंड सिल्वर, जो पहले 2 कलर हैं, 2 कलर वो आपने इस कॉलम से लेने हैं। तो रेड का कलर क्या है 2, दूसरे रेड का भी क्या इसी कॉलम से 2, तो क्या बना 22। फिर तीसरा जो कलर है उससे पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है, तीसरा कलर आपने यहां से लेना है। तो रेड के कॉरस्पॉन्डिंगली तीसरा कलर क्या है 10 की पावर 2। चौथे कलर से पहले आपने प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर क्या है 10%। तो आंसर है 2200 ओम की रेजिस्टेंस है, 10% ज्यादा या 10% कम भी हो सकती है, ये मेथड आपको रेंज देता है, रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। तो ये इसका आंसर है। जैसे सपोज नेक्स्ट कलर आपको दिए येलो येलो ग्रीन ब्लू और कोई कलर ही नहीं आगे, तो पहले 2 कलर येलो और ग्रीन, येलो 4 ग्रीन 5, तो क्या बनेगा 45 मल्टीप्लाइड बाय ब्लू, ब्लू का कलर अब तीसरा यहां से लेना है 10 की पावर 6, प्लस माइनस चौथा कलर ही नहीं है, जब कलर ही नहीं है तो 20% ओम्स इज द आंसर। क्या फ्री के क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नीट या मेंस में आए हुए हैं, ऐसे नहीं है बहुत बार आए हुए हैं, हर साल आ ही जाता है, किसी ना किसी मेंस में 2 सेट हैं, 2 पेपर मतलब कई पेपर बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं तो पक्का आएगा, मेंस में तो नीट में तो बहुत चांस है इसका आने का। तो बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया है, ठीक है, हो जाएगा सही। तो जैसे ये कलर है येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड, येलो 4 वॉयलेट 7 47 ब्राउन 1 है तो 10 की पावर 1 और गोल्ड 5% है। उसी तरीके से ग्रीन वॉयलेट रेड नो कलर तो 57 × 10 की पावर 2 प्लस माइनस 20%, राइट। तो ये कलर कोडिंग है।